अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मुंह में घुल जाने वाले बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो आप आसानी से अपने घर में अवन में बना सकते हैं। गोश्त के पतले पतले पार्चे बनवा लें आप और हैमर या किसी भारी चीज से उसको टेंडर कर लें। प्याज ब्राउन करें और किचन टावल पे इसको ड्रेन कर लें। गोश्त के पार्चों में लहसुन और अदरक का पेस्ट, सॉल्ट, दही ऐड करें और सारे मसाला जात जिसमें है रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन जूस, ब्राउन कीवी प्याज और कच्चा पपीता डाल के अच्छी तरह मैश करें, अच्छा सा मसाला बन जाए। हल्का सा अपने सरसों का तेल ड्रिजल करना है और फिर कोल इफेक्ट देके इसको बिल्कुल अच्छे से टाइट बंद करके मैरिनेट होने छोड़ देना है। ओवरनाइट मैरिनेशन बेस्ट रिजल्ट देती है। थोड़ा सा ऑयल जाएगा जिसमें आपने प्याज ब्राउन की थी, अच्छे से मिक्स करिए और फिर 180 डिग्री पे अवन में 25 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। रोस्टिंग ट्रे को बाहर लाएं, सारे गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर से 25 मिनट्स के लिए अवन में बेक करेंगे। अच्छा सा मसाला भुना हुआ और खूबसूरत सा कलर आपको कबाबों में नजर आएगा, तो उसकी मदद से मिक्स करिए और फिर लच्छेदार प्याज और हरी मिर्चें हरे धनिया से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। ओवरनाइट मैरिनेशन और कच्चे पपीते की वजह से आप देख सकते हैं ये एकदम बेहतरीन किस्म के कबाब बन चुके हैं। आप इनके बिहारी कबाब रोल भी बना के सर्व कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा बड़ी ईद पे ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Take care.